तो काफी बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और बहुत लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं पढ़ाई एक भी नहीं किए हैं। और ये रियलिटी है कि कॉलेज में यहाँ पास हर कोई एक महीना या एक हफ्ता या फिर एक या फिर दो दिन पहले ही एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है क्योंकि आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करने के लिए कम से कम आप लोगों को 3 महीना पहले ही एक्टिव हो जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पास आप लोग मिस्टेक कर दिए हैं और मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा यहाँ पास सप्लीमेंट्री या फिर फैल कर दिया जाता है, तो आप लोग कॉलेज को हल्के मत लीजिएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पास पढ़ाई नहीं किए हैं तो चलिए यहाँ पास मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेस से कुछ टिप्स बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने एग्जाम में 100% लेकर आ जाए और आप लोग पास भी हो जाए और आप लोग यहाँ पर एग्जाम भी क्लियर कर ली। तो चलिए यहाँ पास मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेस से बताता हूँ। तो देखिए यार, सबसे पहले आप लोग सिलेबस को निकालिए। जब आप लोग यहाँ पास, आपको पता होगा सिलेबस के बारे में कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। एनालाइज करने के बाद यहाँ पास आप लोग यूनिट वाइज चैप्टर को देखिए कि कितने यूनिट में कितने टॉपिक है। जैसे कि आपके सिलेबस में यहाँ पास 5 यूनिट होते हैं तो आप लोग को पता होगा कि आपके सिलेबस में कम से कम 5 यूनिट होते हैं। अब यहाँ पास आपको देखना है कि किस यूनिट में कितना टॉपिक है। जैसा कि अगर आप लोग पहले यूनिट में पढ़ रहे हैं, पहले यूनिट में आपका कम से कम 10 से 20 टॉपिक होंगे, दूसरे यूनिट में कम से कम आपके 3 भी हो सकते हैं या फिर आप लोग का 7 भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी यूनिट में कम से कम यहाँ पर 10 टॉपिक होते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि हमें केवल 3 यूनिट अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है तो एक लाइन बार से यहाँ पास क्या करते हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप लोग ऐसे करेंगे और आप लोग सिलेबस को एनालाइज नहीं करेंगे इससे क्या होगा, आप लोग काफी ज्यादा यहाँ पर टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पास क्या करना है, अब देखिए अगर आपके पास यहाँ पर 3 दिन भी यहाँ पर दिया हुआ है तो सबसे पहले एनालाइज करिए कि हम एक दिन में सिलेबस में कौन से यूनिट को खत्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, जो आपका लास्ट यूनिट होता है उनमें बहुत कम टॉपिक होते हैं, तो सबसे पहले आप लोग इसे रेडी करिएगा। अब इनमें से भी एनालाइज करिए, अगर आप लोग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में देखिए कि कौन सा आपका थ्योरी है, कौन सा आपका न्यूमेरिकल टॉपिक है। अगर आप लोग केमिस्ट्री भी यहाँ पास पढ़ रहे हैं तो यहाँ पास देखिए कि किसमें ज्यादा फार्मूला दिया हुआ है, किसमें थ्योरी है, तो थोड़ा बहुत आपके यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पास आप लोग कम टॉपिक को देखिए, जैसे आपका 5वां यूनिट है, 5वें यूनिट में आपका कम टॉपिक है तो इसे करिए। ऐसे करके आप लोग देखिए कि 2वें यूनिट में आपका कम टॉपिक है तो आप लोग इसे कवर करिए। ऐसे करके एक यूनिट और कवर करना है, जैसे कि आपका 3 यूनिट हो गया, इनमें सबसे पहले कम टॉपिक है, यानी कि आप लोगों को सबसे पहले कम टॉपिक को देखना है फिर उससे ज्यादा टॉपिक यहाँ पास देखिए, ताकि इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पास सिलेबस कवर होते जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में पूरे यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी यूनिट में कम टॉपिक क्यों ना हो लेकिन हमेशा आपसे 2-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए केवल आप लोग 3 यूनिट अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, इसलिए बोला हूँ क्योंकि अगर आप लोग 3 यूनिट अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 यूनिट अच्छे तरीके से किए हैं, 3 यूनिट कंप्लीट है तो हर यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछते हैं आपके, 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो 2 का यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पास पहले से ही रेडी हो चुका है। अब इसके बाद फिर अगर आप लोग लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में क्या होता है कि लॉन्ग में आप लोगों को कम से कम 2 ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से यहाँ पास कर लिए तो आप लोग इजिली 20 नंबर लेकर आ जाएंगे। अब देखिए अगर आप लोग का 3 यूनिट अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ है तो आपके पास जो 6 क्वेश्चन पहले से ही रेडी हैं, ओके। अब 6 क्वेश्चन में आठवीं भी करके क्वेश्चन आता है तो आपको केवल 5 ही करने पड़ते हैं, आपके पास तो ऑलरेडी 6 क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको केवल यहाँ पास 5 ही क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका 5 क्वेश्चन तो ऑलरेडी रेडी हो गया, प्लस आप लोग यहाँ पर देख सकते आपके पास 6 क्वेश्चन तो पहले ही रेडी है, इसमें आप लोग 2 लॉन्ग के लिए निकाल दीजिए, आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस 3 मिनट में ही हो जाता है। लेकिन आप लोग को कंप्लीट क्या करना पड़ेगा, सिलेबस को यहाँ पर 3 मिनट तक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसके बेस से ही यहाँ पास मैं 1 हफ्ते या फिर 3 दिन में ही एग्जाम को मैं क्लियर किया हूँ और अच्छे नंबर भी आए हुए हैं, तो आप लोग कुछ ऐसे देख सकते हैं। साथ में यहाँ पास मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पास कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पास पढ़ना है, यूट्यूब में जो मैं वीडियो बनाया हूँ आप लोग इन वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। हर यूनिट में मैं आपको यूनिट वाइज टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ, पूरे क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आते हैं, उनसे पढ़िएगा तो आप लोग को और भी यहाँ पास कम समय में टॉप सिलेबस रेडी हो जाएगा। इसलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।